सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा पिछले 5-6 पेपर का एनालिसिस करके मैंने लाया है, कहाँ से क्या पूछा गया था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम, जिसको उर्दू में आदात का इल्म बोला जाता है, नंबर सिस्टम के ऊपर कई क्वेश्चन आए थे, तो नंबर सिस्टम हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो चैप्टर होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, हमको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये सब सिंप्लीफिकेशन में आता है, जिसको उर्दू में बोले नफा ज़र्ब करना, तकसीम करना, चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरा जो हो गया आपका एलसीएम एससीएफ, जो हो गया आपका इंग्लिश में बोला जाता है, उर्दू में उसी को मुस्तरक दोज़ाफ़े अक्ल, मुस्तरक मुस्तरक आदे आज़म और मुस्तरक दोज़ाफ़े अक्ल बोला जाता है। ये चीज़ें आपको पूछी गई थी एग्ज़ाम में। याद रखिए सीटेट में जहाँ पैडागोजी पूछता है, वहीं महा टीटी के अंदर मैथ्स के सेक्शन के अंदर पैडागोजी नहीं आता है। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है आपको मालूम होगा, 2-4 नंबर दे देगा, बीच में से एक नंबर गायब कर देता है, वो नंबर सीरीज कहलाता है, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन, इसके ऊपर भी कुछ सवाल पूछा गया था। मेंसुरेशन उसको उर्दू में मसाहत बोलते हैं, और जिसके अंदर सवाल जो होते हैं एरिया वॉल्यूम के होते हैं, और उर्दू में बोले तो रकबा और हजम हमें मालूम करना रहता है। और किताब अगर बात करें तो 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं उसके अंदर आपको मार्शा बोर्ड में मिल जाएगा। एलसीएम एसएफ की बात करें, मार्शा बोर्ड में कहाँ मिलेगा, तो 7वीं क्लास में आपको एलसीएम एसएफ मिल जाएगा। परसेंटेज फीसदी की बात कर लेते हैं, तो परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नफा और नुकसान के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद एज जो उम्र मालूम करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे गए थे, एज मालूम करने वाले क्वेश्चन। एक बार ये भी बताता चलूँ आपको कि सीटेट का पेपर जहाँ इंग्लिश और हिंदी में होता है पेपर का जो लैंग्वेज, वहीं महाटीटी का पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू में आपको मिलता है, यानी आप पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में भी नज़र आएगा आपको और उर्दू लैंग्वेज में भी नज़र आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस वक्त रफ्तार और फासला, ये भी इस जो चैप्टर से यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मुफर्रद व मुरक्कब सूद, ये जो अगर आप किताब देखोगे तो ये किताब आपको 7वीं किताब से ये मिल जाएगा, आपको 7वीं किताब, 7वीं बोला 7वीं क्लास की किताब से मिल जाएगा, और ये सारी किताबें आपको फ्री में दस्तियाब है इबाल भारती के ऊपर, वहाँ से आप इसके कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो उर्दू में। क्लॉक घड़ी वगैरह के बारे में, कांटे वगैरह के बारे में ये रहते हैं। कैलेंडर यानी कैलेंडर के बारे में, कौन सा दिन कब होता है, ये पूछा जाता है। ग्राफ के ऊपर जो सवाल होते हैं, तरसीमी सवाल, ग्राफ के सवाल जो होते हैं, तरसीमी सवाल जिसको बोल सकते हैं, ग्राफ दे दिया होता है। 8वीं क्लास के जो क्वेश्चन है वो आप बोल सकते हैं, 8वीं क्लास में जो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं यहाँ पर। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब उसमें सब आ जाएगा आपका, जो भी सर्कल का प्रॉपर्टी हो गया, फिर उसके बाद मुसल्लस का प्रॉपर्टी जिसको ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज हो गए, उसके ऊपर जो सवाल बन सकते हैं वो पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री में पूरा सेक्शन हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको उर्दू में मुरब्बई मसावत बोला जाता है, 10वीं क्लास का ये सेकंड चैप्टर, लेकिन ये सवाल जो होता है किस लेवल का पूछा जाता है, 8वीं क्लास का जो बुक है उसके हिसाब से सवाल आते हैं यहाँ पे जो भी पूछे गए हैं। रोमन नंबर्स यानी 5वीं या 6वीं क्लास में आपको रोमन नंबर्स मिल जाएंगे, वहां से पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग यानी मुसलस की तादाद मालूम करो, ट्राइंगल की क्वान्टिटी मालूम करो, रेक्टेंगल की क्वान्टिटी मालूम करो, मुस्तकिल की क्वान्टिटी मालूम करो, ये इस तरह के सवाल आते थे। डाइस जो होता है आपका पांसा, पांसा फेंका गया, पांसा का जो फिगर रहता है उस पर दिया कि अभी अगला पांसे में क्या आएगा, तो इस तरह के सवाल होते हैं। रेशो प्रोपोर्शन हो जाता है जिसको निस्बत और तनासुब भी बोला जाता है उर्दू में, 9वीं क्लास में है, जो 9वीं क्लास के एक्सरसाइज जो होता है स्टार्ट के 1 या 2 एक्सरसाइज वही कब वहीं तक के सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज जो होता है आपका औसत निकालना, तो ये भी शायद 8वीं या 7वीं क्लास में है एवरेज, ये भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तकरीबन 20 चैप्टर के हैं, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही बार पेपर में पूछा है, कुछ ऐसा था कि जैसे 2016 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाइस वगैरह का क्वेश्चन शायद एक ही बार आया है 2016 या 15 में आया है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन और अगर हम लोग ले लेते हैं डाइस के अलावा, क्या आप ले सकते हैं कैलेंडर, तो लगातार आया कैलेंडर, एक ऐसा है रिपीट किया गया बार बार। साथ ही साथ रफ्तार, रफ्तार वाला जो क्वेश्चन है वक्त रफ्तार और फासला, ये भी बहुत कम पूछा गया है। जो कंटिन्यू क्वेश्चन आया अगर उसकी बात करें हम लोग, तो कुछ जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगातार क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, बार बार आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और कहाँ से कर रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इससे रिपीट कर रहा है बार बार, यहाँ से रिपीट हो रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा आपका,
प्रॉफिट लॉस, और यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। फिगर जो है, फिगर बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। डाइस भी बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रोमन नंबर भी पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो रोमन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ 14-15 ऐसे है जो चैप्टर बार बार पूछ रहा है, और 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कभी कभी पूछा, रैंडमली पूछा है, कभी पूछा है तो कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये बेसिक पूरे के पूरे जितने चैप्टर हैं मैंने आपको बता दिया, इसके आपको स्टडी करना है। तो सोच लीजिए अगर इतने ज्यादा स्टडी आपको करनी है तो कितने दिनों में हो पाएगा। तो इसका यही है कि भाई आपको कम से कम 2 महीना वक्त देना पड़ेगा। अगर 2 महीना सही से अगर वक्त दोगे तो मैथ्स की तैयारी हो पाएगी। इसी तरह इंग्लिश वगैरह का भी मामला है, उसका भी जल्द ही मैं पूरा का पूरा सिलेबस लाने वाला, एक चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम लोग ना महा टीटी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का बैच लाने वाले हैं, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप महा टीटी कम से कम पास करके रखिए, ताकि आपको टैट का जो एग्जाम होगा दिसंबर के अंदर, उसमें आपको चांस मिल जाए। याद रखिए, अगर आप टैट एग्जाम देना चाहते हो, टैट एग्जाम अगर बच्चों आप देना चाहते हो, तो टैट एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैट से क्या मिलता है? जॉब मिलता है डायरेक्ट आपको। डायरेक्ट भर्ती किसके जरिए होती है? टैट एग्जाम के जरिए होती है, ये आप याद रखिए। और टैट के लिए आपको क्या होना है? सी टैट पास होना है। कौन सा एग्जाम पास होना है? सी टैट या फिर महा टीटी, दोनों में से एक एग्जाम अगर आप पास हो तो आप सी टैट, आप टैट एग्जाम में अपियर कर सकते हो, दे सकते हो। सी टैट जो होता है या फिर महा टीटी किसके लिए? अगर पहली क्लास से लेकर आप 8वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए, लेकिन आप 9वीं और 10वीं पढ़ाना चाहते हो तो आपको महा टीटी वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए 10वीं 9वीं और 10वीं के लिए जो वैकेंसियां होती है बहुत ना होती है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए आप कैसे भी करके आपको क्या करना है, पहले से अगर 8वीं तक जाना है तो आपको पास करना है। और याद रखिए अगर आप पहले से 5वीं पढ़ाना चाहते तो सीटेट या टीटी तो आपको कंपलसरी पास करके ही जाना है। हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप एक काम कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर मैंने PDF डाउन अपलोड कर दिया है पेपर फर्स्ट का, तो सारे पेपर एक के बाद एक मैं अपलोड करते रहूंगा, वहां से आप हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहां पे भी मिल जाएगा आपको।